जोधपुर में माता का थाना क्षेत्र में वकील जुगराज चौहान की सरेराह हत्या के बाद से मांगों को लेकर वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। 18 फरवरी को हत्या के बाद से चौथे दिन भी परिजनों ने शव नहीं उठाया। हाईकोर्ट के दोनों एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन ने कोर्ट में हड़ताल रखी। वहीं अधिवक्ताओं ने आज सोस्ती गेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दोनों एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि परिजनों को सुरक्षा, 1 करोड़ की सहायता व आश्रितों को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता राशि व पुलिस प्रोटेक्शन के आदेश नहीं दिए गए हैं और न ही मांगे हैं मानी, जिससे आहत होकर आज सोस्ती गेट पर धरना देकर रास्ता जाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में वकील की जघन्य हत्या होने के बावजूद प्रशासन ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिखाया है। यही रवैया रहा तो गुरुवार को जोधपुर बंद करवाया जाएगा। सोमवार से आज तक हाईकोर्ट में कोई सुनवाई के दौरान वकील नहीं पहुंचे हैं। सभी वकीलों ने रैली निकाल सोस्ती गेट पर धरना दिया है। वकील आज सोस्ती गेट का रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। वे बुधवार को जोधपुर बंद करेंगे। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी ने कहा है कि अफसोस होता है, सीएम के विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। एक सप्ताह में 4 वकीलों पर अटैक होते हैं। उनके गृह जिले में वकील सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान में कानून की व्यवस्था का क्या हाल होगा। उन्होंने बताया कि ADCP नाजिम अली व SDM बात करने आए थे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। सहायता राशि व अन्य मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वकील आंदोलन करेंगे। वकीलों के दोनों एसोसिएशन ने पहले ही प्रशासन को चेताया था कि मांगे नहीं मानी तो मंगलवार यानी आज हेरिटेज भवन से सोस्ती गेट चौराहे तक हजारों की संख्या में वकील पैदल रैली निकालेंगे, फिर सोस्ती गेट पर धरना देकर रास्ता जाम किया जाएगा। अधिवक्ताओं के रास्ता जाम करने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। वकीलों के प्रदर्शन के बाद उन्होंने रास्ता रोका, इस पर जालोरी गेट पर जाम लग गया है। ऐसे में कई लोग ट्रेन भी चूक गए हैं। रास्ता जाम होने के कारण स्टेशन तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। डेड बॉडी यहां मोर्चरी में पड़ी है और जब से ही संघर्ष जारी है, सबने मिलके अशोक जी को ज्ञापन दिया था। और बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री भी है, उन्हीं के गृह क्षेत्र में, उन्हीं की विधानसभा में और उन्हीं के वार्ड में ये हत्या होती है और उसके बावजूद भी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। आश्वस्त किया जाएगा तो उनके परिवार के साथ, जुगरा जी के परिवार के साथ न्याय होगा। अभी तक न्याय होते दिख रहा नहीं है और जब तक न्याय दिखेगा नहीं हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे। और प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सारे वकील, राजस्थान भर के वकील, हिंदुस्तान भर के वकील, जब जब ऐसी घटनाएं होती है स्टेट्स में तो वो आंदोलनरत रहते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रोटेक्शन एक्ट को आप जल्द से जल्द लागू कीजिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जितनी भी BCI स्टेट काउंसिल्स हैं उनसे भी है कि इस पर दबाव बनाएँ और सरकार पर दबाव बन के इसे लागू कीजिए। मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्हें अवगत कराया था कि जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही भीषण है और जिस तरह से उनका दिन दहाड़े हत्या की गई है वो कानून व्यवस्था जर्जर होने की पूरी दृष्टि प्रदान कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा निवेदन किया गया था कि आप जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय करें, उनको उचित मुआवजा, एक नौकरी, पुलिस प्रोटेक्शन और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी जल्दी लागू किया जाए। उसके बावजूद 3 दिन 4 दिन व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई आदमी मिलने आया है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन और बढ़ेगा और अगर नौबत आएगी तो जोधपुर और राजस्थान बंद भी किया जाएगा। शहर में, उनकी विधानसभा में, उनके वार्ड के अंदर दिन दहाड़े हमारे अधिवक्ता साथी जुगराज जी की हत्या होती है और 10 दिन के अंदर 4 अधिवक्ताओं को पीटा जाता है और अभी सिक्कर में भी खनन माफिया ने एक अधिवक्ता भाई की कत्ल कर दिया गया है और कई सुपारी दी जा रही है उनके खिलाफ, कई हमले हो रहे हैं। देख रहे हैं आप दिन दहाड़े राजस्थान के अंदर कानून की क्या व्यवस्था है और जोधपुर में क्या व्यवस्था है। दिन दहाड़े लूट, पर्स छीनना, अपने इस तरह के अपराध, हत्याएं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले हो रहे हैं। तो जो अधिवक्ता पब्लिक को न्याय दिलाते हैं आज उन पर हमले हो रहे हैं, तो अधिवक्ता किस तरह से पब्लिक को स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर न्याय दिलाएगा। हम गजेंद्र सिंह जी, हमारे बाटी साहब, बोरा जी और सभी कार्यकारिणी दीपक जी, हम मिले थे मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी ने हमें 3 दिन पहले आश्वस्त किया था कि जुगराज जी के परिवार वालों को उचित मुआवजा देंगे
और नौकरी और सुरक्षा का भी जो है विचार करने की बात कही। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी के शहर में जहां क्राइम्स का जुर्म का यह खड़ा जोधपुर शहर बन चुका है, वहां आज तक हमारे से कोई भी अधिकारी बात करने के लिए नहीं आया। हमारे अधिवक्ता भाई जुगराज जी की लाश पीछे मोर्चरी में रखी है, 4 दिन हो गए। जब तक प्रशासन नहीं जगेगा तब तक जुगराज जी के हत्यारों और परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम राजस्थान बंद कराएंगे, चक्का जाम करेंगे, बहुत जल्द जोधपुर बंद भी हो सकता है। इस तरह से जो है हम न्याय चाहते हैं कि हमारे साथी के परिवार के साथ न्याय मिले, अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिले, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो के अंदर था उसको क्यों नहीं लागू कर रही है सरकार? इस शहर को देख नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ क्या हो रहा दिन दाड़े है? आप सभी देख रहे पत्रकार, आप क्यों नहीं बोलते हो? आप भी देख रहे हैं रात दिन यहाँ क्या घटनाएं हो रही है। राजस्थान सुरक्षित नहीं है, कानून की व्यवस्था चौपट हो चुकी है और जब तक कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा हथियारों के खिलाफ, लूट खसोट करने के वाले के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, जब तक राजस्थान में और जोधपुर में शांति नहीं हो सकती।